Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see props in JSX. जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑसम होने जा रहा है बिकॉज आज हम फाइनली प्रॉप्स जो है देखने जा रहे हैं इन आवर रिएक्ट JSX. प्रॉप्स मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, चलिए यहीं पे ही चल लेते हैं. सो हियर वी हैव अ प्रॉप्स इन JSX जहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो. बेसिकली प्रॉप्स एक शॉर्ट फॉर्म है प्रॉपर्टीज का, लाइक इन जावास्क्रिप्ट इन HTML वी हैव एट्रीब्यूट्स राइट. तो उसी तरीके से रिएक्ट में भी JSX के अंदर हम जो एट्रीब्यूट्स लिखते हैं उसे हम प्रॉप्स कहते हैं, विच इज योर प्रॉपर्टीज. तो ये जो रिएक्ट की प्रॉपर्टीज है, इट फैसिलिटेट डेटा ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट्स. हम ऑलरेडी देख चुके व्हाट इज कंपोनेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करना है, बस अब यहाँ पे हम डेटा को कैसे फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसफर कर सकते हैं उसके ऊपर अब हमें पूरा समझना है, उस स्केल को समझना है. बेसिकली डेटा फ्लोज यूनी डायरेक्शनली एंश्योरिंग अ क्लियर डायरेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन रिएक्ट. मतलब यूनी डायरेक्शनल है, जो ऊपर से नीचे आपका ये जा रहा होता है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड. ठीक है ना. Props are immutable, meaning child components cannot modify the data received from the parents. वो immutable है. Parents जो भी data pass कर रहा है child को, तो child उसको delete, उसको edit नहीं कर सकता है, modify नहीं कर सकता है. Child component access props through their functions parameter. You can also pass JSX as props to another components. All right. तो ये जानबूझ के मैं पहले ही बहुत बता देता हूँ ताकि जब हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको धीरे धीरे समझेगा, अच्छा यार इसने तो पहले चीजें बोली थी, इसका मतलब ये है, समझ रहे. ऑलराइट, तो सबसे पहले प्रॉप्स क्या होता है आपको पता चल गया है. बेसिकली HTML में एट्रीब्यूट्स, इन रिएक्ट वी हैव अ प्रॉप्स इन आवर JSX. ठीक है. एंड ये फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड यूनिडायरेक्शनली फ्लो करता है. पेरेंट्स से चाइल्ड में कुछ डेटा भेजने के लिए ये आपका काम आता है, इतना आप समझ लीजिएगा. ऑलराइट, सो नाउ हियर वी हैव दिस नेटफ्लिक्स का कार्ड जो कि बहुत ही ऑसम एंड देन प्यारा दिखाई दे रहा है. तो अब हमें क्या करना है, इसको और बेटर करना है. ठीक है, कैसे मैं आपको बता देता हूँ. देखिए प्रॉप्स के थ्रू मैं यहाँ पे चलता हूँ. एग्जाम्पल में यही कोशिश करूंगा कि आपके लिए इजी हो जाए, ध्यान से देखना. अभी भी एक चीज है जहां पे करंट एलिमेंट है. ठीक है, अब ध्यान से देखना एक और चीज यहाँ पे. जैसे मैं चलता हूँ इस जगह पे, सो फ्लो देखो हाँ क्या हो रहा है. फ्लो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. हियर वी हैव दिस आवर ऐप कंपोनेंट जो कि हमारे नेटफ्लिक्स सीरीज कंपोनेंट को कॉल कर रहा है. ठीक है, इस पे मैं अगर चलता हूं तो ये आपका नेटफ्लिक्स सीरीज कंपोनेंट है जिसके अंदर मैं रिटर्न कर रहा हूं मैप मेथड की मदद से जो भी मैंने एक कार्ड्स क्रिएट किए उसको. बट द फैक्ट इज कि अगर कोड को एकदम नीट एंड क्लीन रखना है देन इट्स बेटर टू रिटर्न वन कोड एट अ टाइम, वन कंपोनेंट्स एट अ टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी आप मैप मेथड यूज करते हो ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस माना जाता है कि आप उसको डायरेक्टली वहीं पर ही इस तरीके से डिफाइन मत करो. इंस्टेड ये जो एक पर्टिकुलर कार्ड है इसके लिए आप एक सेपरेट कंपोनेंट क्रिएट कीजिए एंड देन वहां से आप इसको यहाँ पे कॉल कर सकते हो. लाइक व्हाट वी डिड इज कि नेटफ्लिक्स मैंने एक अलग कंपोनेंट बनाई सीरीज, नेटफ्लिक्स सीरीज, एंड यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया. एंड ये कितना प्यारा सा लग रहा है कि ऐप कंपोनेंट पे मैं इस कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ. तो उसी तरीके से नेटफ्लिक्स सीरीज कंपोनेंट के अंदर भी मैं इस पर्टिकुलर कार्ड को कॉल कर रहा हूँ, बोलने में कितना अच्छा लगेगा राइट. तो अब देखिए मैं वही करने जा रहा हूँ. व्हाट वी विल डू इज वी हैव अ कंपोनेंट्स विद अस राइट. So here we have this component and inside component we will create one more file जिसका नाम होगा list कर देता हूँ list.jsx. आप कुछ भी लिख सकते हो, just मैंने series list या Netflix, चलो list ही लिख देते हैं, कोई problem नहीं. ठीक है, alright. So ध्यान से देखिएगा, yeah I think series card perfect रहेगा, है ना. const and we have a series मैंने series ही लिखा है ना, yeah series data. ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं इस तरीके से. एंड बाय द वे जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करोगे तो कैपिटल रखिए, वो ज्यादा बेटर है. एंड या सीरीज डेटा नहीं, सॉरी इट्स अ कार्ड. हालांकि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, पहली बात तो ये. ठीक है, सो मैं चलता हूँ रिटर्न. हियर वी हैव दिस पार्ट एंड ध्यान से देखिएगा ये वाला जो रिटर्न पार्ट है. ठीक है, हियर वी हैव दिस रिटर्न पार्ट, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ. कहाँ तक है ये वैसे, यहीं तक ही है, इसको मैंने हटा दिया. मैं यहाँ पे चल के पेस्ट कर दे रहा हूँ. सो ध्यान से देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे. सो ऑल राइट, वी हैव टोटल टू रिटर्न्स, इसको मैं हटा देता हूँ एंड इसको भी मैं हटा देता हूँ इस तरीके से. सो या तो आप देख रहे हो ना कितना ऑसम है. मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, परफेक्ट. तो अब ध्यान से देखिएगा. ठीक है, ये तो चलो मेरा जेसन का फाइल है. वी हैव दिस ऐप कंपोनेंट के अंदर नेटफ्लिक्स सीरीज कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ. वी हैव दिस नेटफ्लिक्स सीरीज कंपोनेंट, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यूएल के अंदर मैंने ये मैप चलाई एंड इस मैप के थ्रू मैं क्या करूंगा,
एक कंपोनेंट को कॉल करूंगा एंड उस कंपोनेंट का नाम होगा सीरीज कार्ड एंड या दिस इज इट, क्लोज कर दी मैंने ये. आई मीन आप देख रहे हो कि फ्लो कैसे बन रहा है आपका, ये स्ट्रक्चर जो है कैसा बनता जा रहा है. अब ये जो करंट एलिमेंट है, जब भी मैं मैप मेथड के थ्रू कॉल करूंगा तो ये करंट एलिमेंट में ही तो मेरा सारा डेटा है, राइट. तो ये जो करंट एलिमेंट है मुझे यहाँ पे पास करना है, तो मैं एज अ करंट, चलो फिलहाल के लिए करंट एलिमेंट ही लिख देता हूँ. एंड आपको ये इस तरीके से करंट एलिमेंट पास, एक सेकेंड, आपको करंट एलिमेंट पास करना रहता है, ठीक है. सो आपने ये जो करंट एलिमेंट है इसको पास कर दी नाउ. तो ये जो करंट एलिमेंट आपको दिख रहा है ये है आपका प्रॉप्स, बिकॉज हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ जेएसएक्स एंड जेएसएक्स के अंदर भी मैं एक कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ. जब भी आप एक कंपोनेंट को कॉल कर रहे हो एंड उसके साथ अगर आप कुछ डेटा भी पास करना चाहते हो देन हम क्या यूज करते हैं, प्रॉप्स यूज करते हैं. सो ये है, आप देख लो यहाँ पे, ये है मेरा पेरेंट एंड उसके अंदर मैं ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसको कॉल कर रहा हूँ एंड उसमें मैं ये प्रॉप्स के थ्रू डेटा जो है पास कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है. ऑलराइट, परफेक्ट. नाउ एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आप इस तरीके से डेटा पास करते हो नो मैटर व्हाट, आपको मालूम है कि वी नीड टू पास अ की प्रॉप्स. सो हियर वी हैव अ करंट एलिमेंट डॉट आईडी, हो गया मेरा काम सिंपल, राइट. अब मुझे सीरीज कार्ड पे चलना है. यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्ट है मैंने दो प्रॉप्स पास किए, एक है की एंड दूसरा है मेरा करंट एलिमेंट. तो मैं यहाँ पे चलूंगा, आपको अब यहाँ पे प्रॉप्स लिखना है. हालांकि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो बट जनरली हर कोई यहाँ पे प्रॉप्स लिखता है, तो इसको मैं कॉपी करूंगा. अब ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी करंट एलिमेंट आपको दिख रहा है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ इस तरीके से. बेसिकली मैंने हाईलाइट की प्रॉप्स एंड देन डॉट लिख दूंगा मैं, दिस इज इट, मेरा काम हो गया. ये मैंने क्या किया, प्रॉप्स तो मुझे मिल ही रहा है ना, देखो ना मैं इस कंपोनेंट में, मेरे चाइल्ड कंपोनेंट में मैंने ये दो प्रॉप्स पास की है जिसमें से प्रॉप्स डॉट करंट एलिमेंट, प्रॉप्स डॉट ये वाला करंट एलिमेंट. एंड हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कल के वीडियो में करंट एलिमेंट डॉट आईडी, यहाँ पे आप पूरा सब कुछ देख ही सकते हो, नेम है, आईडी है, इमेज है, रेटिंग है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे पैरामीटर, ठीक है. तो वो जो है मैंने इस तरीके से गेट कर लिया. ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको करंट एलिमेंट इज मिसिंग इन प्रॉप्स, तो ये जो एक पर्टिकुलर वार्निंग आपको दिखाई दे रहा है मैं आपको कल के वीडियो में कल की वीडियो में बताऊंगा कि आप इसको कैसे करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है. फिलहाल अभी आप समझ लीजिए ऐसा कुछ भी एरर नहीं है, इट जस्ट ये स्लिंट का एक वार्निंग हमें मिल रहा है यहाँ पे. तो अगर आप सिर्फ इतना करते हो एंड कंट्रोल एस सेव करते हो एंड अगर आप यहाँ पे चलते हो एंड रिफ्रेश करते हो तो आप देख सकते हो कि फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है. एंड हम एक बार चेक कर लेते हैं, बॉडी वी हैव दिस डीप एंड देन वी हैव दिस यूआरएल, ओके. सो अगेन इस यूआरएल के अंदर आप देख सकते हो कि कुछ भी डेटा आपको दिख नहीं रहा है, ओके. सो देखो हम रिटर्न तो कर रहे हैं एंड यहाँ पे आप डायरेक्टली ना ये ना लिख के आप डायरेक्टली की भी पास कर सकते हो. बोलो क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी की के अंदर ये पास कर ही दिया है, तो आप इस तरीके से प्रॉप्स डॉट की लिख सकते हो, है ना. या आप ना लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय द वे अगर मुझे लगता है, ठीक है, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे की इसको दिया हुआ है, हर एक सीरीज कार्ड के साथ एक की है, ठीक है. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम चलते हैं एंड ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है यहाँ पे सेम वही चीज हो रहा है एंड दैट इज कि आपको रिटर्न तो करना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं. एंड इस तरीके से एंड जब भी आप फैट एरो फंक्शन यूज करते हो एंड इफ यू आर यूजिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड देन गाइस यू डोंट हैव टू इवन राइट दिस रिटर्न कीवर्ड एंड दैट कर्ली ब्रेसेस पार्ट आल्सो. या सी दिस इज इट, सो कितना नीट. आई मीन आप खुद देख लीजिए, हियर वी हैव आवर ऐप कंपोनेंट, राइट. एंड बाय द वे अगर यहाँ पे भी सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट है तो आपको फिर इसकी भी नीड नहीं है यहाँ पे, सिंपल. देखो सो दिस इज आवर ऐप कंपोनेंट जिसके अंदर मैं नेटफ्लिक्स सीरीज को कॉल कर रहा हूँ एंड दिस इज आवर नेटफ्लिक्स सीरीज कंपोनेंट जिसके अंदर मैंने मैप मेथड चला के सीरीज कार्ड वाला जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसको कॉल कर रहा हूँ जिसमें मैंने दो प्रॉप्स पास कर दी है. अब यहाँ पे अगर मैं चलूंगा तो यहाँ पे मैंने उस प्रॉप्स को गेट कर ली एंड मुझे मालूम है प्रॉप्स डॉट करंट एलिमेंट करूंगा तो मुझे इसके अंदर जो भी डेटा मिलने वाला है प्रॉप्स डॉट अगर मैं की कर देता हूं, हालांकि करने की नीड ही नहीं क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहां पे मैंने की दे दी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. अब अगर मैं यहां पे चलूंगा, बूम गाइस, सी मुझे सभी के सभी डेटा एज इट इज आ गए. बट दिस टाइम हमने इसको और सिंप्लीफाइड कर दी, हमने प्रॉप्स का पावर देखा कि कैसे कितनी ब्यूटीफुली हम इसको टैकल कर रहे हैं. तो आप देख ही सकते हो गाइस कितने प्यारे तरीके से हमें हमारा डेटा आ गया है एंड कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है यार. हमारा ऐप ने नेटफ्लिक्स सीरीज को कॉल की, नेटफ्लिक्स सीरीज ने सीरीज कार्ड करके एक बनाया, क्योंकि जब भी आप मैप मेथड यूज करोगे ना तो आप इस तरीके से कंपोनेंट बनाएंगे, क्योंकि की तो आपने पास करी थी, करंट एलिमेंट में आपका डेटा एंड यहाँ पे इस तरीके से. अब ये जो प्रॉप्स है
ठीक है, मैंने तो जगह जगह प्रॉप्स लिख दी। अब प्रॉप्स के बदले यहाँ पे थापा भी अगर आप कर देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने ऐसा कोई एकदम स्पेसिफिक प्रॉप्स ही आपको लिखना ऐसा नहीं बोला, बट हाँ हमें मालूम है कि ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉप्स है, तो क्यों ना हम यहाँ पे प्रॉप्स लिख दे, ऐसा रहता है। बट उसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं वापस यहाँ पे प्रॉप्स कर दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान में रखिएगा कि हमारा ये जो की प्रॉप्स है, ये जो हमारा की प्रॉप्स है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी हमारे इस केस में इतना कोई मैटर नहीं करेगा, बट आगे जब हम मेगा प्रोजेक्ट एंड देन मिनी प्रोजेक्ट्स करेंगे की को लेके, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमें की प्रॉप्स मस्ट है, ये क्यों हमें देना जरूरी है, एंड की प्रॉप्स हमेशा एकदम यूनिक ही क्यों होना चाहिए। मतलब वो सारी चीजें जो है ना, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा हमारे सीरीज में, तब आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल अभी आप इतना याद रखिए, जब भी आप मैप मेथड यूज करते हो, यू नीड टू पास की प्रॉप्स। ऑलराइट गाइस, तो वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देना चाहता हूँ कि आई नो आप इसे शायद अभी भी बहुतों को ये प्रॉप्स क्यों मैंने प्रॉप्स डॉट करेंट एलिमेंट लिखा बोल के शायद डाउट आ सकता है, एंड मैं नहीं चाहता कि आपको बिल्कुल भी कोई डाउट आए। एंड अगर स्टिल कुछ होता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, राइट। सो मैंने कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स यहाँ पे कर दी, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो कि जब हम कंसोल डॉट लॉग को ओपन करते हैं तो आपको करंट एलिमेंट इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये है जब भी आप प्रॉप्स को पास कर रहे हो, ठीक है, कंसोल कर रहे हो, तो उसमें वी हैव दिस करंट एलिमेंट। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से डेटा है, कास्ट, डिस्क्रिप्शन, जनर, आईडी, इमेज, ये वो, एंड हियर वी हैव दिस की, जो कि फिलहाल अभी आपको अनडिफाइंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट इट्स फाइन। सो वी हैव करंट एलिमेंट एंड देन वी हैव दिस की, तो आपको इतना टेंशन फिलहाल नहीं लेना है। वो जो की है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, हम एकदम एंड में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, बट फिलहाल अभी करंट एलिमेंट देखो ना, प्रॉप्स डॉट करंट एलिमेंट डॉट कास्ट, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। सो हियर वी हैव अ प्रॉप्स डॉट इस तरीके से डॉट करंट एलिमेंट डॉट फिर कास्ट डिस्क्रिप्शन जनर आईडी इमेज नेम रेटिंग, ये कुछ भी मैं लिख सकता हूं। तो इस तरीके से मैं लिख रहा था प्रॉप्स डॉट करंट एलिमेंट डॉट ये, देन प्रॉप्स डॉट की जो है मैं वो लिख सकता हूं। फिलहाल मुझे डेटा नहीं मिल रहा है उसका, बट इट्स फाइन, नॉट अ बिग डील, ठीक है। सो ये था आपका प्रॉप्स। सो या गाइस, दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतने। मैं अब आपको कल की वीडियो में एक ऑसम डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बताऊंगा, एंड मुझे लगता है वो एक अलग वीडियो की बहुत नीड है अलग से, ठीक है। सो या दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई रियली होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा गाइस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, एंड कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सोर्स कोड सब एकदम फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो प्लीज उसको चेकआउट कीजिएगा। लेकिन सिर्फ सोर्स कोड लेके निकलना नहीं है गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो गाइस एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक तो आप दे ही सकते हो, क्लिक ही तो करना है। कमेंट कर दीजिए दोस्तों के साथ, भर भर के शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर, सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।